यस बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग मैम. यस बेटा, गुड मॉर्निंग. सर ये जो साइड में नहीं आते हैं वो जब लगाएंगे तब हम लोग जाएंगे. आप बड़ी हैं, आपको भी पता होना चाहिए ना. मैम आज मैथ क्लास चलेगा. हेलो स्टूडेंट. यस मैम. यस बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. नाउ यू ऑल विल गुड मॉर्निंग इंग्लिश ग्रामर ग्रामर एंड कंपोजिशन. You all will take the book and open chapter number 6. What are you saying, beta? मैं मेरे पास ग्रामर की बुक नहीं है. आराध्या. Yes ma'am. Yes बेटा, परचेज करवा लीजिए. पापा से बोलिए कि वो बुक परचेज कर दें, ठीक है? ग्रामर की बुक नहीं रहेगी तो आप कैसे इसकी एक्सरसाइजेस वगैरह कैसे कंप्लीट करोगे? और एक्सरसाइजेस नहीं करोगे तो हाउ कैन यू लर्न इट, कैसे उसको सीखोगे फिर? ठीक है, वापस से बोलिए परचेज कर दें, ठीक है? नाउ यू ऑल विल ओपन चैप्टर नंबर 6 कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. पेज नंबर बेटा. Last Tuesday we started this chapter, common and proper noun, and today we will complete the exercise of this chapter. Okay, chapter number 6, page number 18. You all will open page number 18, beta. Underline the proper noun in these sentences. Okay. You can see here some sentences and we will underline the proper noun in this given sentences. ये जो sentence दिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे? Proper noun को underline करेंगे. What is proper noun? Page number 18. Chapter number 6. Have you opened? खोल लिया बेटा? Yes. Okay then. Now, today we will do the exercise of this chapter. As you know, what is proper noun? Proper noun is the specific name of person, place, animals or things. Okay? जो एक special name होता है, जिसको हम name से identify करते हैं, it is called proper noun. Okay? And the second point for proper noun is that proper noun is always start with capital letter. How can you identify the proper noun? Proper noun को आप कैसे identify करोगे बेटा? जब आप देखोगे कि किसी का name, चाहे वो person का हो, place का हो, animals का हो और things का हो, when it start with capital letter, this is called proper noun. Okay? प्रॉपर नाउन में जो स्पेलिंग होती है बेटा, वो किससे स्टार्ट होती है? टेल मी, बताइए. हेलो पुलकित, सानवी, टेल मी हाउ विल यू आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन? कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे बेटा? यस मैम. कैसे बताओगे कि प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज स्टार्ट विथ, कैसे स्टार्ट होगा बेटा प्रॉपर नाउन? कैपिटल लेटर से. कैसे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से. एंड व्हाट इज कॉमन नाउन बेटा? कॉमन नाउन इज क्या होता है? कॉमन नाउन हमने लास्ट वीक आपको सेंड किया था ना डेफिनेशन कॉमन नाउन की, प्रॉपर नाउन की, आपने उसे लर्न किया बेटा?
कॉमन नाउन इज जर्नल नेम. ओके, जर्नल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. वो क्या करता है बेटा? और उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं कि दिस इज कॉमन नाउन. ओके, और वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होता है. और प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. तो सबसे पहले तो आपको इससे पहचानना है कि प्रॉपर नाउन कौन सा है जब वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से. ओके, व्हेन द स्पेलिंग विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ टेल मी, टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सो सी द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर ए. My brother's name is Mohan. Okay? Exercise number A. खाली दीदी बस एक थिंग से याद कर रही हूँ बड़ी खा दे. My brother's name is Mohan. Now tell me beta, what is proper in this sentence? Aradhya, tell me beta, what is proper noun in this sentence? First you read the sentence. पहले इसको read करिए. My brother's name is Mohan. What is proper noun in this sentence? Mohan proper noun है. क्यों है बेटा? ये क्या है बेटा? उनके ब्रदर्स का नेम है और ये किससे स्टार्ट हो रहा है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. ये क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन. नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्या है बेटा इसमें? ये कैपिटल, ये बड़े से शुरू है. ब्रदर, बड़े ब्रदर कॉमन नाउन. बड़ा अच्छा लिखा रहता है. नाउ सेकंड सेंटेंस, I live in Mumbai. What is proper noun in this sentence, beta? Mumbai is proper noun. Kyo hai proper noun ye? Why? Because kisi sthan ka name. Haan, shabash. This is the name of a place and start with capital letter. Okay? Ye ek place ka name hai aur ye capital letter se स्टार्ट हो रहा है. सो दिस इज प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ सानवी बोलो. हाथ उठाओ सानवी. नाउ यू टेल मी बेटा सानवी, नाउ टेल मी, गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया. द गंगा इज वॉट इज प्रॉपर नाउन? फर्स्ट यू रीड दिस सेंटेंस. पहले इसको रीड करिए बेटा जी. अरे यहाँ से पढ़ो, यहाँ से स्टार्टिंग से. G-A-N-G-E, Ganga. G-A, beta. G-A-N-G-A. Now, read it. G-A-E is the Ganga is longest the river in India. Yes. Repeat it. Isko repeat kariye. Repeat it again. Bada repeat kariye. Is the in India. Ganga is the longest river in India. Now tell me,
What is proper noun in this sentence, beta? Ganga. Ganga is proper noun. Okay. And other proper noun is? India. India. And what is common noun in this sentence? Common noun kya hai beta isme? River. Ma'am, river. River. River is common noun. Shabash. Okay. रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, लेकिन जब उस रिवर को हमने एक नेम दे दिया, गंगा, यमुना, गोदावरी, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क फ्रॉम पुलकित. दो पानी. यस मैम. हेलो हेलो स्टूडेंट. माय वॉइस इज क्लियर टू यू? यस माय वीडियो इज गोइंग? यस मैम. यस यस ओके. नाउ पुलकित, पुलकित, आर यू हियरिंग माय वॉइस बेटा? यस मैम. नाउ टेल मी. यस पुलकित. ओके बेटा. नाउ पुलकित रीड दिस सेंटेंस फोर्थ. हेलो पुलकित. अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करिए बेटा. यस बेटा. नाउ रीड दिस सेंटेंस ऑफ फोर्थ नंबर. R-A-N-J-E-P. हाँ, क्या बोलेंगे इसको बेटा? आर ए एन रन, जे डबल ई टी जी. तो जब हम इसको एक साथ ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? रंजीत. ओके, रंजीत के आगे. यस, रीड इट. इसको बोलिए बेटा. D-R-V-E-S. D R I V E R, driver. Sorry, drives. D R I V E S, drives. Bus. Bus. So, what is proper noun? What is proper noun in this sentence, beta? Ma'am, Ranjit. Ranjit is proper noun. And what is common noun? Bus. Bus. Common noun. Okay. Bus is common noun and Ranjit is proper noun. Okay. Now, tell me. Now, after Pulkit, Riya. Yes. Riya Singh. Unmute yourself, beta. Riya. Riya. Arya Singh. Unmute yourself, beta. Arya. Yes, ma'am. Yes, Arya. Now read this sentence, beta. Fifth number. We want. Went. Went means गए. Went to. हाँ. J-A-I-P-U-R. Jaipur. Shabash. Jaipur. Went.
last week okay we went to Jaipur last week read it again फिर से रीड करिए इसको We went to Jaipur last week हाँ we went to Jaipur last week now tell me what is proper noun in this sentence बेटा proper noun क्या है इसमें मैम जयपुर क्यों है ये proper noun वे एक स्थान का नेम है यस वेरी गुड दिस इज अ नेम ऑफ ए प्लेस एंड अदर पॉइंट बताइए इसमें और एक पॉइंट बताना है आपको व्हाई वी कॉल इट प्रॉपर नाउन हम क्यों कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है ये स्थान का नेम है और एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है क्या हो रहा है बेटा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है तो आपको तू कह लिया रे तू टीचर है ये तू टीचर है कि नहीं हां मारी सर ऐसा कर दीजिए हमको लेना है ना स्क्रीनशॉट अटेंडेंस के लिए नाउ बेटा दिस इज द टाइम ऑफ नेशनल एंथम ओके बेटा नाउ दिव्यांशु हेलो दिव्यांशु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा दिव्यांशु अनम्यूट करिए दिव्यांशु अनम्यूट योरसेल्फ हेलो दिव्यांशु अनम्यूट योरसेल्फ बेटा अनम्यूट करिए Divyanshu, are you not hearing my voice, beta? Unmute yourself. Yes. Okay then. Sushant, unmute yourself, beta. Sushant, unmute kariye. Why are you changing your place, Sushant? हेलो आराध्या अनम्यूट करिए बेटा आराध्या यस नाउ आई एम गोइंग टू आस्क सी द नेक्स्ट सेंटेंस माय पेट डॉग टॉमी इज वेरी एक्टिव नाउ टेल मी बेटा माय पेट डॉग टॉमी इज वेरी एक्टिव व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस आर यू हियरिंग माय वॉइस आराध्या आराध्या आप मेरी वॉइस को सुन रहे बेटा हेलो दिव्यांशु अनम्यूट करिए अपने आप को यस दिव्यांशु नाउ टेल मी बेटा Now read it. Read this sentence, Divyanshu.
इसको रीड करिए, रीड दिस सेंटेंस. अली पेट डॉग टॉमी इज वेरी एक्टिव. माई पैट डॉग टॉमी इज वेरी एक्टिव. शाबाश. नाउ टेल मी व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस. टॉमी. What is Tommy? Paper number. Tommy is proper noun. Yes. Why? Why Tommy is proper noun? क्यों है proper noun ये बताइए. Tommy नाम है. क्योंकि ये name है और ये capital letter से start हो रहा है. Okay? Now this is clear to you बेटा. Clear है आपको ये? Yes, ma'am. Okay बेटा. Okay now. See the next exercise. एक्सरसाइज नंबर बी. ओके आई एम गोइंग टू टेल यू बेटा, ये जल्दी से बता देते हैं. सी द सेवंथ सेंटेंस ऑफ ए एक्सरसाइज. चेन्नई इज अ बिग सिटी. ओके यू ऑल विल सी इन योर बुक. आप सभी बच्चे अपने बुक में देखेंगे बेटा. सी द सेवंथ सेंटेंस. व्हाट इज हियर? चेन्नई इज अ बिग सिटी. सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? टेल मी पलक. नाउ मैं सबको अनम्यूट कर रही हूं बेटा, बट डोंट डिस्टर्ब द क्लास. आर यू हियरिंग माय वॉइस बेटा? हेलो हेलो. आज हम कोशिश में है इसको कंप्लीट करने के लिए. जल्दी से करिए बेटा इसको, जो मैं पूछ रही हूँ जल्दी जल्दी बताइए. चेन्नई इज ए बिग सिटी. व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन दिस सेंटेंस? मैं चेन्नई. चेन्नई इज प्रॉपर नाउन. ओके ओके. एंड व्हाट इज कॉमन नाउन? एंड व्हाट इज कॉमन नाउन इन दिस सेंटेंस? चेन्नई इज अ बिग सिटी. व्हाट इज कॉमन नाउन? सिटी. सिटी इज कॉमन नाउन. ओके सिटी क्या है? एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, बट उस सिटी का नेम क्या है? चेन्नई है. तो चेन्नई क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन है. नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. रवि इज अ गुड बॉय. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? रवि. रवि. एंड रवि कॉमन. रवि. व्हाट इज कॉमन नाउन? मैम गुड. मैम गुड. Not good. Adjective. Boy. Boy. क्योंकि जब boy बोलेंगे तो boy में सभी boy शामिल हो जाएंगे. Okay? और जब उस boy का एक proper name है तभी, तो this is proper noun. Now see the exercise number B. Pick out the common noun and proper noun from the following sentences. Okay? Now we will this exercise and we will complete it. इसको हम complete करेंगे बेटा. So you always see this. I am going to read the sentence. It is very cold in January. It is very cold in January. So what is proper noun in this sentence? जल्दी बताइए. मैं जनवरी. 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 जनवरी is proper noun. Now I'm going to read the second sentence. My uncle gifted me a hero bicycle on my birthday. My uncle gifted me. My uncle. Bicycle on my birthday. My uncle. Okay.
My uncle gifted me a hero bicycle on my birthday. So my uncle is क्या करना है क्या common noun and proper noun को हमें pick out करना है. My uncle on a hero bicycle. अच्छा very good. Hero bicycle. शाबाश. Uncle is common noun and hero bicycle is proper noun. Okay. This is the name of bicycle is. नेम है कि ये हीरो बाइसिकल है एंड दिस इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर मैम थिंग्स है बाइसाइकल हीरो बाइसिकल इज प्रॉपर नाउन ओके और अंकल नो मैम हेलो अंकल इज द कॉमन नाउन अंकल इज कॉमन नाउन एंड हीरो बाइसिकल इज Proper now. Now see this sentence. We asked Susan to take us to the park. Susan is proper noun. And what is common noun? Park is common noun. Shabash. Because park is a place. Park kya hai beta? Ek place hai. And Susan is the name. Susan kya hai? Name hai. किसी मैन का किसी बॉय का ओके नाउ सी द फिफ्थ सेंटेंस सिंपल है Okay. Now, see this. Mr. Smith is our next door neighbor. Okay. Mr. Smith is our Mr. Smith. What is Smith? What is Mr. Smith? Common noun is door. स्मिथ क्या है बेटा प्रॉपर नाउन एंड आवर नेक्स्ट डोर नेबर हमारे क्या है पड़ोसी हैं तो पड़ोसी क्या हो गया पड़ोसी कॉमन कॉमन ओके नाउ नहीं मैम को बताओ नाउ बेटा आई एम आस्क्ड टू यू बिकॉज वी हैव नो मोर टाइम वी हैव ओनली 10 मिनट तो इसलिए मैं आप अपनी बुक में देखते रहिए मैं आपसे पूछ रही हूँ See the next sentence of sixth. Our librarian's name is Mrs. Rajni. Our librarian. Proper noun.
प्रॉपर नाउन होगा रजनी. सेवन शीला एंड लीला प्ले एवरी इवनिंग. शीला एंड लीला प्ले एवरी इवनिंग. दोनों क्या बेटा? दोनों प्रॉपर नाउन शीला भी और लीला भी. ओके नाउ सी द नेक्स्ट. माय ब्रदर्स नेम इज टॉनी. तो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अब आप एक्सरसाइज नंबर सी को देखिए. एंड रेस्ट सेंटेंसेस विल डू बाय योरसेल्फ. उसको आप खुद करोगे. ओके ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ. Now see the next exercise number C. Circle the proper noun from the group of words. Now you can see some words. Okay, in each R number में आपको दिखाई दे रहा बेटा कुछ words दिखाई दे. अब इन words में आपको क्या करना है बेटा? Circle करना है proper noun को. क्या करना है बेटा? Listen to me. Now you can see here some words of each number. हर नंबर में आपको कुछ वर्ड दिखाई दे रहे हैं और इसमें आपको सर्किल करना है किसको? प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन करना है बेटा. प्रॉपर नाउन को. तो आप सभी बच्चे इसमें बताइए. सी इट केयरफुली. ध्यान से देखिए बेटा. रिवर, यमुना, सिटी, माउंटेन. रिवर, यमुना, सिटी, माउंटेन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? सही बेटा. प्रॉपर नाउन क्या है? एक ढक्कन. वही तो बंद कर रहा हूं. टेल मी स्टूडेंट्स व्हाट इज प्रॉपर नाउन? यू मैम. मेमोरी. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन क्या है इसमें बताएं? फर्स्ट नंबर. फर्स्ट नंबर को देखिए. नीचे वाले में. सेकंड वाले में. प्रॉपर नाउन मैम. मैम यून. नहीं रुकिए, आप लेके खड़े रहिए, फिर मैं भूल जाऊंगी. पहले फोटो ले. गाइस बेटा जल्दी बताइए इसमें से. सीधा फर्स्ट मैम यून मैम. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? मैम यून मैम. यमुना. यस शाबाश. What is proper noun? Yamuna. Yes, beta. Okay, very good. In second number, yes, Preeti is proper noun. And what is proper noun in number third? Country bedroom. ये बच्चे तो पकड़ नहीं रहे इसमें. Three bedroom. City, town, village. रवि साबर. एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन फिफ्थ नंबर? फिफ्थ नंबर में बताइए बेटा क्या है प्रॉपर नाउन? Yes, tell me. Number holy.
होली सम होली इज द नेम आधा दिन फेस्टिवल एंड व्हाट इज प्रॉपर नाउन इन सिक्स्थ एंड सिक्स्थ नंबर होली मैम सिक्स्थ नंबर सिक्स्थ में बेटा कोलगेट कोलगेट इज द नेम ऑफ टूथपेस्ट ओके सो दिस इज प्रॉपर नाउन हियर एंड कोलगेट इज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर ओके सो दिस इज प्रॉपर नाउन नाउ लिसन टू मी बेटा अब मुझे सुन लीजिए बेटा ये बच्चे अपना क्या भेजना है व्हाट्सएप नंबर दे इनका दिख नहीं रहा है व्हाट्सएप नंबर अंशिका यादव एडमिशन नंबर 8269 बेटा आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए ओके किसी के मोबाइल पर अनुभव आनंद 9237 एडमिशन नंबर आप भी अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करिए बेटा नीरज कुमार चौबे 9330 सम्राट गौरव 7402 सेंड योर व्हाट्सएप नंबर ओके सत्यम यादव एडमिशन नंबर 7613 सेंड योर व्हाट्सएप नंबर बेटा सूरज यादव 9752 एडमिशन नंबर देन यश कुमार गुप्ता योर एडमिशन नंबर इज 8622 प्लीज यू ऑलवेज सेंड योर व्हाट्सएप नंबर With name, admission number and section, okay? On your ma'am's WhatsApp number, आप अपने ma'am के WhatsApp number पे अपना number send करेंगे, okay? Now your time is going to be over, beta. We have only 1 minute. So in next week we will see the exercise number D of collective noun, okay? अब नेक्स्ट वीक में हम कलेक्टिव नाउन को करेंगे बेटा सो यू ऑलवेज रिपीट दिस लर्न द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन फ्रॉम योर नोटबुक ओके विच आई सेंड यू ऑन लास्ट ट्यूजडे जो मैंने लास्ट ट्यूजडे को आपको सेंड किया था उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना ओके नाउ बेटा योर टाइम इज गोइंग टू बी ओवर ओके टाइम ओवर होने जा रहा है Now, I am going to tell you about collective noun. That what is collective noun? See in your book, a collective noun is the name of a group of people, animal or thing. Collective noun क्या होते हैं बेटा? जो हमें एक group के name को बताता है. उस group में क्या-क्या होते हैं बेटा? People भी होते हैं, animals भी होते हैं और things भी होते हैं. तो जब वो एक समूह में होते हैं तो उसका क्या नेम होता है दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन तो हम इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं नाउ यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 20 यू ऑल विल ओपन दिस पेज नंबर 20 एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन ओके आई एम गोइंग टू टेल सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन अ ट्रुप ऑफ मॉन्कीज जो मॉन्कीज होते बेटा तो जो उनका ग्रुप होता है उसको हम किस नेम से जानते हैं ट्रुप ऑफ मॉन्कीज अ फ्लीट ऑफ शिप ओके शिप शिप यानी जो भेड़ होती हैं तो उनका जो झुंड होता है उसको हम किससे जानते हैं बेटा फ्लीट ऑफ शिप ओके एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स सोल्जर्स मीन्स सिपाही तो जो सिपाही का एक क्या होती है टुकड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स देन सी द नेक्स्ट A herd of cows, जो cows होती हैं, तो उनका जो समूह होता है उनका जो झुंड होता है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं herd के नेम से ओके देन सी द नेक्स्ट अ स्कूल ऑफ फिश जो फिश होती है बेटा तो जो उनका ग्रुप होता है उसको हम स्कूल ऑफ फिश के नेम से आइडेंटिफाई करते हैं ओके तो उसको हम कैसे पहचानते हैं